और हमारी थर्ड वीडियो है, इसमें हम करेंगे नॉन परफेक्ट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड। सिंपल मेथड है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कैसे करना है वो आपको मैं बता रहा हूं अभी। इसका एक फॉर्मूला है, वो क्या है, एक्स प्लस माइनस वाई। क्या है एक्स, क्या है वाई, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रूट एक्स प्लस माइनस वाई ओवर टू रूट एक्स। ओके, हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, हम कोई भी 10 ले लेते हैं, 10। अब इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है नहीं, ठीक है, नॉन परफेक्ट। तो कैसे करना, हमने 10 के नजदीक कोई ऐसी फिगर लेनी है जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट हो। आई थिंक 9 का है, 9 के बाद हमारा कौन सा है, 16 है, 4 4 16, 3 3 9, नजदीक कौन सा हमारा, 9। 9 प्लस 1, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 10। ये क्या हमारा बन गया x, ये क्या बन गया हमारा y, x और y। और आगे उसे लिखना कैसे हमने वो देखते हैं थोड़ा। 9 प्लस 1 इक्वल टू रूट x, x हमारा क्या है 9, प्लस का साइन इसमें होगा तो प्लस का साइन, माइनस का होगा तो माइनस का, हमारा क्या प्लस का, तो मैंने प्लस का डाल दिया यहां पर। उसके बाद y मेरा कौन सा है, 1 2 ओवर रूट एक्स, एक्स कौन सा हमारा 9। अब इसका ये किसका रूट है, 3 का स्क्वायर रूट, 9 किसका है, 3 का। ओके, ये कितना बन गया हमारा 6। अब इसे से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, 18। नाइनटीन ओवर सिक्स क्या होता है, 3.16। आई थिंक आपको लेंथ इसलिए लग रहा होगा, मैंने आपको प्रॉपर समझाया है, अदरवाइज हम कैलकुलेशन माइंड में करेंगे तो इजी से फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल कोई भी ले लेंगे, 11। 11 के नजदीक कौन सा है, 9। 9 प्लस 2 इक्वल टू 11, लेकिन एक वही मेथड, 9 का स्क्वायर रूट, y कितना हमारे पास इस बार 2, प्लस का प्लस 2, स्क्वायर रूट 9, 2 के साथ 2 कट, 3 प्लस यहां पर 1 ओवर 3, 3 3 इज 9, 10 ओवर 3, 3.33 इज द आंसर। नेक्स्ट हम कोई भी एग्जांपल ले लेंगे, हम लेते हैं 15। 15 किसके नजदीक है, 16 के, तो हम क्या लेंगे, 16 माइनस 1 तभी बनेगा 15। अब यहां पर क्या लिखेंगे हम, 16 का रूट है, माइनस की जगह माइनस लगा देंगे, और y कितना हमारा 1 है, 2 16। ओके, फिर से बड़ा करके लिख देता हूँ आपको समझ आ जाए। 15 मैंने लिया डिजिट, उसके नजदीक है 16 स्क्वायर रूट 1, मेथड वही है, x 16 हमारे पास, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ओके, y हमारे पास कितना है, 1, 1 लिख दिया, 2 16, ये किसके इक्वल होता है, 4, ये 4, हम लिख सकते हैं 4, 1 ओवर 2 इंटू 4, क्लियर। उसके बाद इसका आंसर आएगा 3.87 जब हम इसे सॉल्व करेंगे। एट फोर द 32, 32 माइनस 1 क्या बन गया, 31/8, उसे हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.87। ऐसे निकालते हैं नॉन परफेक्ट डिजिट का स्क्वायर। अब हम कुछ करते हैं और एग्जाम्पल है जिससे हमें अच्छी तरह समझ आ जाए कैसे निकालते हैं किसी नॉन परफेक्ट डिजिट का स्क्वायर रूट। हम ले लेते हैं 37। ओके, 37 का हम कैसे निकालेंगे, उसे इस फॉर्म में पहले लिखेंगे, 37 के नजदीक 36 है उसका स्क्वायर रूट, 36 प्लस 1,
एक्स की वैल्यू आ गई 36, वाई की वैल्यू आ गई 1, इसमें हम पुट करेंगे 36 प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस 1, 2 इंटू स्क्वेयर रूट 36, इसका स्क्वेयर रूट कितना आ गया 6, 2 इंटू 6 12, 72 प्लस यहां पर आ जाएगा 72 प्लस 1 ओवर 12, ये आ गया 73 ओवर 12. जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 66.08. 73 को जब हम डिवाइड करेंगे 12 से हमारा आ जाएगा 6.08. उसके बाद हम कौन सी एग्जांपल लें, अब क्या करते हैं 23 ले लेते हैं. यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम हो, 23 किसके नजदीक है, 4 का स्क्वायर रूट कितना है 16, 5 का 25 के, तो कैसे लिखा जाएगा इसे 25 माइनस 2, आई थिंक मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऐसे. वहां पर x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कीजिए, 25 माइनस 2 ओवर 25. अब इसे कैसे करेंगे हम, 5 माइनस 2 ओवर 5, यहां से यहां ये काटा जाएगा, 5 5 द 25 ले लेते हैं 33, आई थिंक की नहीं अभी, चलो 33 क्या होगा 36 के नजदीक होगा, मैं लिख सकता हूँ इसे 36 माइनस 3 क्या बन जाएगा 36. नेक्स्ट कैसे लिखूंगा, 36 माइनस 3 2 36, से लिख सकता हूँ मैं 6 3 2 6 2. ओके, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ इस तरह, 1 ओवर 4 6 4 द 24 23 बाय 4. अब इसे जब मैं करूंगा डिवाइड तो आ जाएगा मेरा आंसर 5.75. ओके, आंसर आ जाएगा 5.75. अब हम को और कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें अच्छी तरह समझ आ जाए. हम लेते हैं 1 2 3. ओके, इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए इसके नजदीक कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट डिजिट, वो क्या है हमारा 1 2 1 है. क्या मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे 1 2 1 प्लस 2, और इसका जब मैं इसे पुट करूंगा यहाँ पर तो क्या आएगा 1 2 1 प्लस, प्लस का प्लस, वाई हमारे पास है 2 2 1 2 1. यहाँ तक तो इजी है, उसके बाद क्या है 11 1 11. अब इसे से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 1 2 1 प्लस 1 ओवर 11, इससे 1 2 2 ओवर 11 इक्वल टू 11.09 इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट हम करेंगे 1 0 2. परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा इसका, 100 प्लस 2 लिख सकता हूँ, 100 2 2 100 2 को इसे 2 काटा गया, 10 1 ओवर 10 मल्टीप्लाई करूंगा 101 ओवर 10, आंसर आएगा 10.09. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 227. नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है 227. अब इसका स्क्वायर रूट कौन सा नजदीक होगा, 15 इंटू 15 क्या होता है 225 प्लस 2, इसे क्या मैं लिख सकता हूँ 225 के साथ 225 का स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट 15 का होता है, 225 इंटू 15 इंटू 50 225 प्लस 1
15.06 इज आंसर. अब हम करते हैं कुछ और एग्जाम्पल है. 4-1 लास्ट एग्जाम्पल है. मैंने कुछ फास्ट स्पीड में की आपको समझाने के लिए कि आप इससे भी फास्ट कर सकते हो. ये तो आपको साथ साथ समझा रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो अदरवाइज आप स्क्वायर रूट निकालना चाहो नॉन परफेक्ट नंबर का तो मैक्सिमम 10-15 सेकंड लगते हैं इस मेथड. मैक्सिमम 40 के नजदीक कौन सा स्क्वायर रूट है? 6 किसका है? 6 का कितना है? 36. 7 का है? 49. दोनों में से कौन सा है? 36. 36 को ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी 41 को 36 प्लस 5 इक्वल टू 41. क्या करूँगा मैं? वही मेथड 36 पुट करूँगा, प्लस है तो प्लस 5 ओवर 2 36. ये हमारा 6, ये 5, ये 2, ये 6, ये कितना बन गया? 12. 6 72 प्लस 5 77. जब इसे मैं करूंगा डिवाइड तो आ जाएगा हमारा आंसर 6.41. हम करते हैं नेक्स्ट 7. किसका होता है? 9 2. जब भी हमारे पास 4 होता है 9 होता है. 7 किसके नजदीक है? 9 के है. क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड? ये कितना आएगा? 3. 1 over 3, 3 3 the 9, minus 1, 8 over 3, 2.66 is the answer. ये थे आज के जो method, how to find a square, how to find a square root of a perfect number, how to find the square root of a non-perfect number.